अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हमजा और आप देख रहे हैं डिज़ाइन 707। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह मॉकअप रेडी कर सकते हैं अपने किसी भी लोगों को, किसी भी मॉकअप में लगाना चाहते हैं, और हम लोग ये मॉकअप कहाँ से किस तरह फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर हमें पेड भी मिलते हैं और पेड काफ़ी अच्छे भी होते हैं। जारी बात है, पेड हैं तो अच्छे भी होंगे। तो मॉकअप्स हमें, मैं लोगों को वेबसाइट दिखा देता हूँ, अपने क्रोम पे आता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर वेबसाइट आ रही है freepik.com। इसी तरह की और भी बहुत सी वेबसाइट हैं, आप ऊपर गूगल सर्च करेंगे कि फ्री मॉकअप्स डाउनलोड, तो बहुत सारी वेबसाइट निकल आएंगी, हम लोग कहीं से भी कितने भी अच्छे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी फेवरेट यही है freepik.com। तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मॉकअप्स मिल जाते हैं आप लोगों को, यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाता है, मतलब कार्ड्स वगैरह हो गया, डिज़ाइन आपको कुछ डिज़ाइन करना नहीं पड़ता, यहाँ पर बने बनाए चीज़ें मिल जाती हैं, डायरेक्ट आपको इम्पोर्ट करनी होती है, एडिट करनी होती है, सेव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, और मॉकअप्स की बात करते हैं अब हम, तो मॉकअप्स में हमें बहुत से मिल जाते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं मॉकअप्स और देखते हैं कौन कौन से मॉकअप्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। ये देखिए, हमारे पास सबसे पहले हमारा शर्ट का मॉकअप आ रहा है, लोगों का मॉकअप आ रहा है, बिजनेस कार्ड के मॉकअप आ रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर आप लोग अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कोई भी साइज लगा सकते हैं, शर्ट मॉकअप्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास बहुत से लोगोस लगाने के, यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं मॉकअप्स? ज़्यादातर हमारे लिए इसलिए यूज़ होते हैं कि जब हमारा कोई क्लाइंट होता है जिसने हमें लोगो बनवाया, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छी सी बेस के हम उसको इमेज सेंड करते हैं कि उसको बहुत अच्छा लगे लोगों के, हाँ ये अच्छा। अब सिंपल से हम लोग लोगो सेंड करते हैं कि बना तो लिया वेक्टर फाइल में, वो वेक्टर फाइल सेंड करते हैं, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, तो पहले उसको शो करवाएंगे आप जो सी चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो कुछ बाद में, जब आप लोग उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो कुछ इस तरह की दिखेगी, और जब वो इस तरह की दिखेगी तो इस तरह की लगेगी। तो अगर आप वेक्टर फाइल सेंड कर देंगे तो वो कभी कहेगा हाँ ठीक है बस ये वो, तो इसके लिए मैं कह रहा था कि मॉकअप जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम लोग मॉकअप्स यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों को वेब बता देता हूँ यहाँ से किस तरह डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर मॉकअप आ रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लोग कौन सा मॉकअप लिखेंगे वो आ जाएगा। आप बिजनेस कार्ड का मॉकअप लिखना चाहते हैं, बिजनेस कार्ड का मॉकअप आ जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास बिजनेस कार्ड से मॉकअप आ गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने आप बिजनेस कार्ड लगा कर किसी को शो करवा सकते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन है। यहाँ पर ये प्रीमियम बनाया हुआ है, तो ये यहाँ पर प्रीमियम फाइल है, तो ये आपको पेड करके लेनी पड़ेगी। बाकी यहाँ देखिए, ये फ्री है हमारे पास, ये फ्री है, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा वो फ्री है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर लोगो वाले मॉकअप लिख देता हूँ, लोगो मॉकअप्स, और यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारे मॉकअप्स आ जाएंगे। ये आ गया, प्रिंट आ गया, 3D में आ गया, तो ये देखिए कप पे आ गया, ये तो प्रे है। तो ये जो फ्रीज हैं आप लोग यहाँ पर बहुत से यूज़ करते हैं। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है यूज़ करने के लिए, इस पर क्लिक करें, और क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन आएगी, डाउनलोड पे क्लिक करें, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करें, तो आपके सामने लिंक आ जाएगा और आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इतना सा तरीका था इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड के लिए यूज़ किस तरह करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेरे पास मॉकअप है, तो ये कैसे आया, ये हमारे पास zip फाइल में आता है। सिंपल आपने क्या करना है, वो फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी zip फाइल, आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फाइल आएगी, PSG की, फोटोशॉप की फाइल आएगी आपके पास। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये देखिए, मैंने डाउनलोड कर रहा था, तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है टेम्पलेट्स इज PSD फाइल। PSD फाइल का मतलब है कि ये फोटोशॉप की फाइल है, आप लोग फोटोशॉप में इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इलस्ट्रेटर लिखा आएगा या आफ्टर इफेक्ट लिखा आएगा, तो जो सी भी चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए होगी फ्री वीक में, वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये PSD की फाइल है, तो देख लीजिएगा मॉकअप लगाते वक्त कि आपको PSD की फाइल चाहिए। PSD की फाइल लेने के बाद कुछ इस तरह की होगी, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास फोटोशॉप में ये फाइल खुल जाएगी। तो मॉकअप लगाना किस तरह है, अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल लोगो है, मैं लोगों को लोगो दिखा देता हूँ जो सा मैंने इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। मेरे पास ये लोगो है, ठीक है, ये वाला है, इस तरह का है, बट ये वाइट कलर में है। तो मैं ये लोगो उसके ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, सिंपली मैं इस लोगो को लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो मेरे पास आ रहा है ना बॉक्स बना हुआ, इसके ऊपर ये लोगो, ये मेरा लोगो है ना बेसिकली, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास लोगो खुल जाएगा यहाँ पर वेक्टर फाइल में। तो सिंपल इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये मेरे पास शार्पनर फाइल आ जाएगी, और यहाँ पर ये मैं लोगो लाता हूँ अपना, ड्रैग किया और यहाँ फोटोशॉप में ले आया, ये मेरे पास लोगो आ गया यहाँ पर। आर्ट प्रेस करके साइज़ बड़ा करें, जितना बड़ा करना है, जितना छोटा करना है, यहाँ से टिक करें,
और इस फाइल को जो हमने डबल क्लिक करके ऑन की थी, इसको कैंसिल करके यस करें। यस मीन ये सेव कर देगा, उसको हटाकर इसको सेव कर देगा। जैसे ही आप लोग यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मॉकअप जो होगा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये ज़रा वाइट कलर में है, मेरे पास जून जून जो लिखा हुआ है तो इसलिए कलर इस तरह का प्रिंट हुआ है यहाँ पर। अगर आप लोगों का कलर चेंज होगा तो इसका कलर कोई और आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लोगों को कोई और कलर यहाँ पर कोई और लोगो लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर PNG में आ रहा है ये लोगो आपको लगा कर दिखाता हूँ मैं। ये मैंने लगाना है तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दूसरा वाला लोगो चाहिए। तो इसको सिंपल यहाँ पर लेकर आता हूँ मैं, इस तरह Alt प्रेस करता हूँ और मैंने इसको साइज कर लिया, रिसाइज कर लिया। और जिस तरह रिसाइज करना चाहते हैं इसको यहाँ पर सेव करूँगा और यहाँ को कैंसिल करके यस ये सेव हो जाएगा और ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास यहाँ पर लोगो अप्लाई हो गया इसके ऊपर। तो इस तरह आप लोग इसको फाइल को सेव करें, जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं सेव एज करके आप लोग इसको JPG में जो सी फाइल में सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ, सेव। ओके, 3 MB की फाइल थी, सेव हो गई। और ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रही मेरे पास, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है मॉकअप रेडी करना बने बनाए। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको यही बताया कि आप लोग अपने लोगों को मॉकअप अगर लेकर बनाना चाहते हैं तो वो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्रिएट करना नहीं बताया कि मॉकअप क्रिएट किस तरह करते हैं, वो एक अलग सिचुएशन है, वो एक अलग वीडियो है, उस पर किस तरह क्रिएट होगा लोगों, तो उसका भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द बताएंगे कि किस तरह वो क्रिएट होगा। तो आज की वीडियो हमारी यही थी कि हम लोग लोगो या कोई भी मॉकअप किस तरह इंस्टॉल करके लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाता है बिजनेस कार्ड का मॉकअप, ये किस तरह लगाना चाह रहे हैं तो ये भी मैं आपको लगाना बता देता हूँ किस तरह लगेगा। हमारे पास यहाँ पर REF5 जैसा कि ये देखिए मेरे पास ये एक मॉकअप है, ठीक है। इसके ऊपर मैं अपना बिजनेस कार्ड लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर लोगो भी लगा सकते हैं। सिंपल मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं तो डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। इसको मैं हाइड कर देता हूँ और जो मैं अपना कार्ड लगाना चाहता हूँ वो कार्ड मैं यहाँ पर ले आता हूँ। कार्ड है मेरे पास ये रहा, ये है। इसके ऊपर आप लोगों ने लाकर पूरा इसको एडजस्ट कर देना अपने कार्ड को और Alt प्रेस करेंगे, इक्वली आएगा ये देखिए। और टेक ये कार्ड यहाँ पर मेरे पास आ गया, सिंपल कैंसिल करूँगा, यस करूँगा और ये हमारे पास मॉकअप के ऊपर लग जाएगा और इसको हम सिंपली सेव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। और मैं आपको लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि आप लोग मॉकअप के अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। अगर आपके पास ये लोगो है, ये मॉकअप है आपके पास, तो अगर आप इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं सिंपल फोटोशॉप में लाएंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और उसका जो एडिटिंग होगी आप लोग सिंपल एडिट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर और क्या होता है हमारे पास, जैसे ये मॉकअप है इसको हमने इंस्टॉल किया, हम इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट कर सकते हैं। बस ये होगा कि जो जो फ्रेम्स हैं या ये फ्लावर्स हैं ये आपको मॉकअप अच्छा लगे तभी आपने डाउनलोड किया, ठीक है। तो कलर्स वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग इसमें आप लोग कर सकते हैं, सिंपली अपने मुताबिक जिस तरह का बनाना चाहते हैं उस मॉकअप को आप लोग एडिट कर सकते हैं, सब कुछ एडिट हो जाता है इसके अंदर। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।